एरिया अंडर स्प्रिंग की फोर्स और एक्स ग्राफ। जो स्प्रिंग की फोर्स है वो माइनस के एक्स होती है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि साइन नेगेटिव लगा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ जाने की बजाय कोऑर्डिनेट यहाँ पे, मतलब अगर ये पॉजिटिव होता एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये ग्राफ बनता, नेगेटिव है तो उल्टा कोऑर्डिनेट में बन गया, तो इसका ग्राफ है। अब अगर आप इसके अंडर एरिया निकाल लें, चलो मान लेते हैं ये एक्स है और ये फोर्स है, ये फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स है, तो अगर आप इसके अंडर एरिया निकाल लें तो क्या आएगा एरिया, हाफ, एरिया की वैल्यू क्या आएगी इसमें, हाफ इंटू एफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स इंटू एक्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया आएगा। लेकिन एक चीज़ बताओ कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था, हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के इंटू एक्स भी कर सकते हैं। अब के इंटू एक्स क्या होता है, स्प्रिंग की फोर्स इंटू एक्स, मेरे पास भी तो यही रिलेशन आए हुए, हाफ स्प्रिंग की फोर्स इंटू एक्स, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ क्या देगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो क्या देगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, समझ में आ रहा है ना। तो फोर्स और एक्स का ग्राफ आपको क्या देगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, एक ही बात है।